नमस्कार, उत्तराखंड का नंबर वन डिबेट शो बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। उत्तराखंड में सत्ताधारी भाजपा के विधायक दुर्गेश लाल का वन मंत्री सुबोध उनियाल से विवाद सुर्खियों में है। उत्तरकाशी में तैनात डीएफओ दंपत्ति को हटाने की मांग पर मंत्री विधायक में विवाद हो गया, जिससे नाराज विधायक दुर्गेश मंत्री के आवास के बाहर धरने पर ही बैठ गए। और इस विवाद ने सरकार के साथ ही बीजेपी के संगठन को भी असहज कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विधायक को तलब कर लिया, उन्हें शालीनता से अपनी बात रखने की हिदायत दी है। वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। वन मंत्री से भिड़े बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर, महेंद्र भट्ट ने कसे पेंच तो बदले तेवर। कांग्रेस का सरकार बीजेपी पर हल्ला बोल, अनुशासन के दावों की खुली पोल। उत्तराखंड के सियासी गलियारों में सत्ताधारी बीजेपी के विधायक का सरकार के मंत्री से विवाद चर्चा में है। मामला वन मंत्री सुबोध उनियाल का पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल से हुए विवाद का है। ये विवाद उत्तरकाशी जिले के दो अलग अलग वन प्रभागों में तैनात डीएफओ दंपति को हटवाने की मांग को लेकर हुआ। पहले मंत्री सुबोध उनियाल और विधायक दुर्गेश्वर लाल के बीच तीखी बहस हो गई और बात यहां तक बढ़ी कि वन मंत्री के जांच के आदेश की कॉपी को विधायक ने मंत्री के सामने ही फाड़ दिया और नाराजगी जताते हुए अपने समर्थकों के साथ मंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। देर शाम विधायक मुख्यमंत्री से मिले और पूरे प्रकरण से अवगत कराया। वहीं विधायक के अपनी पार्टी की सरकार के मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलने से सरकार के साथ ही बीजेपी संगठन भी असहज हो गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विधायक को तलब कर उन्हें अपनी बात मर्यादित तरीके से और अनुशासन की सीमा का ध्यान रखते हुए रखने को कहा। प्रदेश अध्यक्ष की सख्त हिदायत के बाद विधायक दुर्गेश्वर लाल के तेवर बदले नजर आए। बीजेपी विधायक ने खेद जताते हुए कहा कि वो अपने क्षेत्र की जनता की आवाज उठा रहे थे, जिसमें कुछ गलतफहमी से विवाद की स्थिति बन गई। अनुशासन के दायरे में हम सबको रहना है। कई बार एक परिवार है, परिवार के अंदर बहुत से विषय पर तार्किक बहस भी होती है, लेकिन उसकी एक सीमा, एक मर्यादा, उस पर सबको रहना है। मैंने मंत्री जी कहा, आज हमारी बातचीत हुई, इनकी अपनी जो मांग है उस मांग पर कल आपका मुख्यमंत्री से आपके मिलना हुआ, बातचीत हुई है, निश्चित रूप से समाधान का रास्ते बनेंगे। भाई, हमारी घर की बात है, घर में झगड़ा होता है, माँ बाप का भी झगड़ा होता है, परिवार में कुछ भी चीज़ें, एक बच्चा अपने बाप से अधिकार से कहता है कि भाई हमें जो है, मुझे ये काम चाहिए, ये काम होना चाहिए। तो वही प्रकरण था, मैं माननीय मंत्री जी के पास गया, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के मंत्री है, सरकार के मंत्री है, तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको चीज़ें बताई। अब उन्होंने, हो सकता है उनको समझने में कोई कहीं गलती रही होगी, लेकिन चर्चा हुई कई सारी चीज़ों पे, लेकिन बात नहीं बनी। तो उसके बाद जो है कोई थोड़ा विषय ऐसा रहा था जिस चीज़ के लिए मैं भी खेद प्रकट करता हूँ और मंत्री जी ने भी खेद प्रकट किया कि भाई ये चीज़ें जो है गर्मा गर्मी में चीज़ें हो गई। लेकिन हमारा विश्वास यही है कि हमारा सबसे पहला जो ध्येय है वो है जनता की सेवा, सबसे इम्पोर्टेंट है पब्लिक। पब्लिक की अगर सेवा नहीं करेगा तो कुछ नहीं है। वहीं विपक्षी कांग्रेस इस मामले को लेकर सरकार और बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस मामले से अनुशासन के बड़े बड़े दावे करने वाली बीजेपी की पोल खुल गई है। ये तो भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को बड़ी अनुशासित पार्टी कहती है, उसका अनुशासन सामने दिख रहा है। कभी विधायक मंत्रियों के खिलाफ बोलते हैं, कभी मंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, कभी अधिकारी मंत्रियों के खिलाफ बोलते हैं, कभी मंत्री अधिकारियों के खिलाफ बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि सरकार में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। विधायकों का असंतोष मंत्रियों के खिलाफ है, मंत्रियों का असंतोष मुख्यमंत्री के खिलाफ है, अधिकारियों का असंतोष अपने मंत्रियों के खिलाफ है, और कभी मंत्री कहते हैं कि हमको CR लिखने की पावर दी जाए, ये बार बार मंत्री मांग करते रहते हैं। आप एक बात स्पष्ट है कि जो घटनाएं घटित हो रही हैं, और कल की घटना जो घटित हुई है, जिससे कि दुर्गेश लाल जो पुरोला से सम्मानित विधायक हैं, वो जिस तरीके से वन मंत्री के खिलाफ उन्होंने जो शब्द कहे हैं, उससे साफ दिख रहा है कि अनुशासित पार्टी का अनुशासन किस तरीके से सड़कों में नंगा नाच कर रहा है, ये सबके सामने देखने को मिला है। और यही कमोबेश स्थिति हर एक की है, चाहे मंत्री हों, विधायक हों, सब भयभीत हैं और एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं।
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड की जनता को इन्होंने मजाक समझ लिया है, एक तमाशा और एक सर्कस यहाँ प्रदेश के अंदर चल रहा है। पहले आप मगरमच्छी आंसू बहाएंगे, आप घड़ियाली आंसू बहाएंगे, मंत्री के आवास के बाहर आप धरने पर बैठेंगे, तमाम तरह के संगीन आरोप यानी कि जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया जाना, खनन के अधिकारियों के साथ मंत्री की साठगांठ की बात कहना और क्षेत्र विशेष में अपनी मनमानी और तानाशाही रवैया मंत्री के द्वारा अपनाना, ये सारे आरोप जो हैं दुर्गेश्वर लाल ने मंत्री पर लगाए। और आज जो है लीपापोती की गई, जब प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा इनको बुलाया गया, तो पता नहीं क्या अंडर द टेबल सेटलमेंट हुआ है कि आज अपनी बात से यू टर्न ले रहे हैं दुर्गेश्वर लाल। लेकिन वो भूल रहे हैं कि एक जनप्रतिनिधि को इस तरह का बात से पलटना कतई शोभा नहीं देता। और अगर आपके कल के कृत्य के लिए आप खेद प्रकट कर रहे हैं या माफी मांग रहे हैं, तो फिर इसमें कहीं ना कहीं हारा उत्तराखंड है, इसलिए क्योंकि वो आपकी बातों में आ गया। और यह आपको याद रखना चाहिए कि अब अगली बार से अगर आप कभी भी धरने प्रदर्शन करेंगे या किसी के विरोध में कोई बयान देंगे, तो कोई आपको गंभीरता से नहीं लेगा, क्योंकि आपने भेड़िया आया वाली कहावत को चरितार्थ किया है। मंत्री विधायक विवाद पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने डैमेज कंट्रोल तो किया है, लेकिन इस मामले ने विपक्ष को सरकार और बीजेपी पर हमले का एक और मौका दे दिया है। अब देखना होगा कि प्रदेश अध्यक्ष की हिदायत के बाद बीजेपी के विधायक और सरकार के मंत्री मर्यादा और अनुशासन की सीमा का कितना ध्यान रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो एक बार ये जो खबर निकलकर सामने आई वो कहीं ना कहीं विधायक और मंत्री के बीच में नाराजगी को लेकर थी। हालांकि इस नाराजगी को अब समाप्त कर दिया गया है। जिस तरीके से खुद विधायक साहब सामने आए, उन्होंने कहा कि परिवार में थोड़ी सी कहासिनी हो जाया करती है और ऐसा ही हमारे साथ हो गया, लेकिन इसको मुद्दा बनाने का प्रयास ना किया जाए। लेकिन वहीं कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि एक तरफ पहले बड़े बड़े एलिगेशन लगाना, बड़े आरोप लगाना मंत्री साहब पर, और फिर इसके बाद इस तरीके की स्थिति पैदा कर देना, तो ये क्या साठगांठ हुई है ये समझना बड़ा जरूरी है। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। शिषपाल सिंह बिस्ट प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। शिषपाल जी स्वागत है आपका। एसपीएस रावत आम आदमी पार्टी के नेता हैं। एसपीएस रावत जी स्वागत है आपका। दीपक राय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक राय जी आपका स्वागत। विनोद सुयाल प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। दीपक राय जी, अमूमन ऐसा होता है कभी अधिकारी विधायक से भिड़ जाता है, विधायक मंत्री से भिड़ जाता है, एक बार फिर से उत्तराखंड के अंदर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। हालांकि जब संगठन की ओर से तलब उनको किया गया या फिर सूबे के मुखिया का रोल बीच में आया, तो सब डैमेज को कंट्रोल कर लिया गया है, इसको किस तरीके से देखें? देखिए अहमद जी, मामला तो संगीन है, क्योंकि जब ये लोग कहते हैं कि ये घर का मामला है, बाप बेटे का झगड़ा होता रहता है, तो इन लोगों को भी समझना चाहिए, विधायकों को भी समझना चाहिए कि जनता के प्रतिनिधि है, जनता में एक विधायक की एक इज्जत होती है। आप किस तरह का व्यवहार करते हैं तो शायद कहीं कहीं जो है गलत संदेश जो है वो जनता में जाता है। वाले बीजेपी बहुत स्ट्रांग एक तरह से संगठन है, कोई भी डैमेज जो कंट्रोल कर लेती है, शायद वही इस केस में हुआ। कल जो केस हुआ, आज उन्होंने माफी मांगी है और महन भट्ट जी ने मिला है और मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, तो शायद बातें सुनी गई इसलिए शांत हो गए। लेकिन हर विधायक को, चाहे मंत्री हो चाहे नई मंत्री हो, फिर भी जो है एक तरह से एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है, उसको देख के ही जो कोई भी जो है एक्ट करना चाहिए। ठीक है, आपका असंतोष, आप कई फोरम है, आप मुख्यमंत्री से मिले होते, मंत्री से मिले होते, कहीं और भी मिले होते, इस तरह से सड़क पे आना जो है वो गलत था। जी दीपक, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो फिलहाल उसके बाद एक्शन हुआ है या फिर उसके बाद की जो स्थितियां निकलकर सामने आए हैं, महेंद्र भट्ट से वो मिले भी विधायक साहब, उसके बाद फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उन्होंने कहा कि ये तो चलता रहता है परिवार के अंदर, इस तरीके के झगड़े होते रहते हैं, तो क्या वो उनकी विश्वसनीयता को कम कर गया ऐसा लगता है, जिस तरीके का जिक्र कांग्रेस भी कर रही है कि इनके आरोपों पर कौन ध्यान देगा? नहीं, देखिए ऐसी नहीं होती, वो भी एक जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, पब्लिक एक तरह से इंटरेस्ट का मामला, तो कोई ऐसा मामला नहीं था जो पर्सनल हो। तो देखिए इसमें विशेषता की कमी नहीं होती, कहीं कहीं जो होता है कि आवेश में आ जाता आदमी, कोई लगता है कि कहीं गलत हो रहा है तो अपनी मांग को मनवाने के लिए कई फोरम पे जाता है, अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती है तब इस लेवल पे आता है। तो ये आप नहीं कह सकते उनकी विशेषता की कमी होती है, शायद उनकी बातें मान ली गई, पार्टी का हाईकमान ने मान लिया, प्रदेश अध्यक्ष ने मान लिया, मुख्यमंत्री जी ने मान लिया, तो शायद उनको लगा कि नहीं जो है अब मैंने गलती किया, तो इसलिए उन्होंने खेद प्रकट किया। तो इसकी पर्सनल विश्वसनीयता जो है वो खत्म नहीं होती, चाहे कम नहीं होती, मैं नहीं मानता। ठीक है दीपक जी, लौट रहा हूँ मैं हमारे साथ शिषपाल सिंह प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। शिषपाल जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपका तो सीधा ही एलिगेशन है, हम सुन रहे थे अभी कांग्रेस की जो प्रवक्ता थी उन्होंने कहा कि भेड़िया आए वाली कहानी हो गई है। तो देखिए
हेमंत जी, ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है और ये इस ओर भी इशारा करता है कि किस तरीके से भाजपा के मंत्रियों के सिर जो है प्रचंड बहुमत का नशा चढ़ा हुआ है, वो जनता की तो सुन ही नहीं रहे, अब अपने विधायकों के साथ भी अभद्रता कर रहे हैं, उन पर जो है अभद्र जाति सूचक टिप्पणियां करने से नहीं चूक रहे हैं, उनको जो है अभद्र तरीके से अपने आवास से बाहर कर रहे हैं, और घर का मामला कह के भले इससे डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा हो, लेकिन घर का मामला सड़क तक नहीं आता, धरने तक नहीं आता, इसका पूरा प्रकरण जो है ये पब्लिक डोमेन में है, और ये पहला प्रकरण नहीं है हेमंत जी उत्तराखंड में। सुबोध उनियाल जी तो अपनी जो है इस प्रकार की हरकतों के लिए कुख्यात है ही है, अभी 29 तारीख को ही उनका एक जो है ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो माननीय न्यायालय के खिलाफ जो है अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, जहां पर जो है संघर्ष में जो है जनता पीड़ित जनता से जो है विधायक जो है बात करवा रहे थे मंत्री की, और इनके जो है कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी किस तरीके से जो है जनता का ध्यान रख रहे थे मार्ग फुटाई करके ऋषिकेश में, दूसरे मंत्री जो है गणेश जोशी किस तरीके से अपने समर्थकों से जो है आम आदमी को पिटवाने का काम कर रहे थे, तो ये प्रचंड बहुमत का नशा है जो इनके मंत्रियों के सिर चढ़ के बोल रहा है, और अब उसकी जद में इनके विधायक ही आ रहे हैं। भाई वो जनहित के काम लेकर के आपके बीच आए हैं, अपनी जनता की समस्या लेकर के उनके आपके बीच आए, तो आप कम से कम उनकी तो सुन लीजिए, आप विपक्ष की तो सुन ही नहीं रहे, आप जो जनता की तो सुन ही नहीं रहे, कम से कम आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका तो मान सम्मान कीजिए ना, उनके मान सम्मान का आश्वस्त वो संतुष्ट हो गए, वो आश्वस्त हो गए, अब उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दी ये बात कि भाई परिवार में थोड़ा सा कहा सुनी हो जाती है, झगड़ा हो जाता है और बच्चा अपने बाप के सामने रखेगा ना बात। नहीं नहीं ऐसा है ना, पार्टी ने उन पे प्रेशर डाला होगा, पुचकारा होगा, उसके बाद इस प्रकार का बयान उन्होंने दिया है, लेकिन जो हकीकत है वो पूरे देश ने और प्रदेश ने देखी है, जिस तरीके से वो कल फूट फूट के जो है कैमरे के सामने रो रहे थे, तो मामला इतना साधारण तो नहीं है जितना भाजपा उसको बताने का प्रयास कर रही है, अपने बेलगाम मंत्रियों पर भाजपा नियंत्रण नहीं लगा पा रही है। विनोद जी से जवाब लेते हैं, विनोद जी जुड़ गए हमारे साथ। विनोद जी, मामला इतना साधारण नहीं है जितना आप लेने का प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं शीशपाल जी। निश्चित रूप से जो कल का विषय था कांग्रेस पार्टी को उसमें मुझे लगता है कि बातचीत करने में बड़ा आनंद आ रहा है और उनको बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है, लेकिन मैं उनको सूचना करना चाहता हूं कि एक परिवार का मामला था, माने विधायक जी अपने क्षेत्र की समस्याओं लेकर मंत्री जी के पास गए थे, वहां का कुछ दृश्य आपस में थोड़ी कहा सुनी हो गई होगी, एक लोकतंत्र का तकाजा है। आज माननीय विधायक जी ने कहा है कि कल का जो विषय था उन्होंने अपने विषय का रखा है, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसका संज्ञान लिया है, मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इस विषय को ले रही है और जिस विषय से हमारे बारे में चिंता कर रही है, मुझे कांग्रेस के मित्रों से कहना है कि उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए जितना हमारे बारे में सोच रहे हैं। हमारे माननीय विधायक जी ने अगर कोई आपत्ति प्रकट की है तो निश्चित रूप से मंत्री से एक माननीय विधायक आपत्ति प्रकट भी करते हैं, विधानसभा के अंदर भी करते हैं, बाहर भी करते हैं। यह आपत्ति बाहर आई इसलिए थोड़ा इसको अटपटा सा लगा, लेकिन आपत्ति यानी कि माना जाए मंत्री साहब नहीं सुनते हैं कि संवैधानिक अधिकार है, मंत्री जी को उसको समाधान करने का अधिकार है। ये क्या माना जाए कि मंत्री साहब नहीं सुनते हैं? मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसका संज्ञान लिया है। ठीक है विनोद जी, हमारी पार्टी के अंदर तुरंत समस्याओं का समाधान होता है और उस समस्या का समाधान कर दिया गया है, इसलिए उस विषय का पटाक्षेप हो चुका है। ठीक, अब ठीक विनोद जी, लेकिन क्या ये माना जाए कि मंत्री साहब नहीं सुनते हैं तभी धरना प्रदर्शन करना पड़ जाता है विधायक साहब को? सोचे विनोद जी आवाज आ रही है आपको? इस राज्य के अंदर सत्ता में थे तो किस तरह से वो सरकार चलाते, किस तरह की बातें करते थे, इसलिए हमारा विषय तो बहुत छोटा सा था, थोड़ी सी कहा सुनी हो गई होगी, मैं इसे मना नहीं कर रहा हूँ। आवाज आ रही है आपको? इधर उधर फैला दिया होगा, लेकिन माने विधायक जी ने आज स्वयं कहा है कि घर परिवार का मामला है, इसको आपको तो इसमें हाई तौबा करने की क्या जरूरत? चलिए आवाज डाउन कर दीजिए विनोद जी की, क्योंकि लगातार बोले जा रहे, शायद आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार मैं कोशिश करूंगा आवाज पहुंचे उनके पास। शीशपाल जी क्या कह रहे हैं आपकी? देखिए हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो है हमने ये डैमेज कंट्रोल कर दिया, लेकिन हमें चिंता इस बात की, हमें भाजपा की कोई चिंता नहीं है कि पुरोला की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, उन लोगों को जो है वो हक नहीं मिल रहा है जो उनके हक हकूक है, ये
कल विधायक जी कह रहे थे और वहां पर जो है अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे, मंत्री जी की जो है माफियाओं से साठगांठ है, ये विधायक जी ने ही कल बताया था। तो ये भ्रष्टाचार का भी मामला है, बेलगाम अफसरशाही का भी मामला है, और ये प्रकरण जो है पहला नहीं है। जैसे सतपाल महाराज जी के विभाग में आपने पहले देखा ही था कि उनके संज्ञान के बिना जो है एक व्यक्ति विभाग का एचओडी बना दिया जाता है। रेखा आर्या जी तमाम अपने सेक्रेटरियों से परेशान थी। ओके शिशपाल जी, ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। एचपीएस रावत जी हमारे साथ हैं। नियंत्रण नहीं लगा पा रहे मुख्यमंत्री, बिल्कुल मैं ये जवाब लूंगा क्योंकि आवाज उन तक नहीं पहुंच रही, पर आवाज पहुंच जाए। मंत्रियों की अभद्रता पर और भनक पर लगाम लगा पा रहे, ठीक है। एचपीएस रावत हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। रावत साहब, क्या लगता है ये जो घटनाक्रम निकलकर सामने आया है, ये लोकतंत्र पार्टी में जिंदा है उस लिहाज से है, या फिर ये वाकई में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है? हेमंत जी, आपका धन्यवाद कि मैं, आपने दोनों प्रवक्ताओं को मौका दिया, फिर दूसरी बार भी दे दिया, फिर मेरा नंबर आया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। नहीं, आवाज नहीं पहुंच रही थी इसलिए जी। कही, जहां तक बात है कि एक अनुसूचित जाति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सम्मानित विधायक दुर्गेश लाल जी ने जो आरोप लगाए थे, वो ये लगाए थे कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया मंत्री जी के द्वारा, मुझे जो जानकारी है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है कि इससे पहले कई दलित उत्पीड़न, महिलाओं का उत्पीड़न ऐसे सरकार में होता रहता है, लेकिन आज तो ये राजनीति को शर्मिंदा करने वाली बात है कि एक प्रतिनिधित्व करने वाले सम्मानित विधायक को अगर इस तरह की बात हुई है, तो ये खाली प्रदेश अध्यक्ष को नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को उसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर ये बात हुई तो ये गलत बात है, ठीक, इसको सार्वजनिक करना चाहिए, क्या मंत्री ने ऐसा कहा है, नहीं किया है। उसके साथ ही दूसरी बात है कि आखिर इतना बड़ा प्रकरण क्यों घटित हो रहा है कि एक मंत्री और विधायक में आपस में तालमेल नहीं है, इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं असहज स्थिति में आज भाजपा की चल रही है। देखिए, मामला निश्चित रूप से जो जानकारी है कि डीएफओ के तबादले को करने को लेकर उठा है, और किसी अधिकारी का तबादला करना न करना, इसका मतलब वो सीधा सीधा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कहीं ना कहीं माल बांटने में असहजता महसूस हो रही होगी, जो मुझे लग रहा है। वन मंत्री का और डीएफओ का मामला और वहां का क्षेत्रीय विधायक का मामला आता है, तो ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अरे, तो खाली लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, खाली विपक्ष के लिए नहीं, अंदर खाने भी इनके जनप्रतिनिधि इनसे संतुष्ट नहीं है। अरे, 2024 का जो जब जनता के बीच आएगी भारतीय जनता पार्टी, तब इनको पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से हम जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी के रूप में मांग करते हैं उत्तराखंड की जनता की तरफ से कि आखिर जो है सरकार को जवाब देना चाहिए कि मंत्री और विधायक में झगड़ा हुआ तो किस बात का हुआ, और आपने अगर चुपचाप से सूझबूझ से तसल्ली कर दी, बात को दबा दी। अब विनोद जी, जवाब लेते हैं, ठीक है, एसपीएस रावत जी, क्योंकि बिल्कुल घटनाक्रम हुआ है तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। विनोद जी, क्या जवाब है सर? चिंता करो, एक छोटी सी कहा सुनी को आपने मुद्दा बना दिया। जो करोड़ों रुपए के घोटाले में दिल्ली में आपका मंत्री जेल के अंदर है, पूरी आधी सरकार आपके जेल के अंदर है, आपके माननीय मुख्यमंत्री जो है तो ईडी से भाग रहे हैं, जो कह रहे थे सब कानून लाएंगे, आम आदमी पार्टी को मेरी सलाह है कि उसे वाशिंग मशीन बना रखे, जो उससे धुलते जो है भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं। अगर दो भाइयों के बीच में विवाद हो गया है, अभी उत्तराखंड की बात हो रही है, आप दिल्ली चले जाते हैं, कोई भ्रष्टाचार में नहीं है, आप उत्तराखंड की बात कीजिए, आप दिल्ली के बारे में विचार करो। नहीं नहीं, विनोद जी, दिल्ली पर जब हम बात करेंगे तो जरूर आपका पक्ष सुनेंगे, लेकिन अभी उत्तराखंड पर अगर बात हो रही है और मंत्री और विधायक के बीच के झगड़े की बात हो रही है, विनोद जी, जेल से चलने की चल रही है, ठीक है, विनोद जी, सम्मानित नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और मैं भाई के नाते आपसे विनती करना चाहता हूं कि उत्तराखंड की जो मांग हमने आपने सबने उठाई थी, क्या उसके अनुरूप सरकार चल रही जो इस तरह की घटना घटी? ठीक है, देखो, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहले आम आदमी पार्टी के विचारधारा से विश्वास रखते हैं, पहले आप दिल्ली के बारे में मुझे बताओ। ठीक है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। विनोद जी, मेरा सवाल ये आपसे, विनोद जी, आप डीरेल कर रहे हैं उसको, उस डिबेट को डीरेल ना करें। मेरा सवाल सीधा, विनोद जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? विनोद जी, आवाज आ रही है? विनोद जी, मेरा सवाल आपसे, सुनना ही नहीं चाहते। विनोद जी, आप, मेरा सवाल ये आपसे कि ये जो नौबत आई वो नहीं आनी चाहिए थी, आप मानते हैं? मंत्री साहब के सामने धरना प्रदर्शन आवाज पर, सभी जनप्रतिनिधियों से, पदाधिकारियों से, सभी कार्यकर्ताओं से अपेक्षा करते हैं कि वो शालीनता का व्यवहार करें और समाज के अंदर किसी प्रकार से
इस तरह का संदेश नहीं जाना चाहिए, ये हम स्वीकार करते हैं। क्या ये विनोद जी माना जाए कि मंत्री साहब नहीं सुन रहे थे तभी ये नौबत आ गई, धरना प्रदर्शन करना पड़ गया और मंत्री साहब नहीं सुनते? दोनों पक्षों में बात हुई है। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस विषय का संज्ञान लिया है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने दोनों से बातचीत की है, विषय का समाधान हो चुका है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं। नहीं, समाधान हो चुका है, लेकिन ये जो तस्वीर निकल कर सामने आई जहां पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इस तरीके का आरोप लग रहा है और आरोप इस बात को लेकर भी लग रहा है, समरसता में विश्वास रखते जाति हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा हमारे यहाँ चार जातियां हैं, हमारे लिए जाति शब्द का हमारे यहाँ कोई प्रयोग होता ही नहीं, हमारे यहाँ सब जी होते हैं, हमारे हेमंत जी होते हैं, विनोद जी होते हैं, हमारे यहाँ जो है तो हमारे शीश पाल जी होते हैं, हमारे यहाँ जो है तो सभी जी होते हैं। सरनेम से आप किसी की संसद सदस्यता खत्म कर देते हैं, तब तो जाति नहीं आती वहाँ, कैसी बात कर रहे हैं? हमारा विश्वास है कि सबको साथ रहने की आवश्यकता है, सब समाज से ही सबका हित है, ये हमारा विश्वास है। शीश पाल जी कह रहे हैं, शीश पाल जी कह दीजिए फटाफट। देखिए हेमंत जी, तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का खुलासा करना चाहिए कि मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या विधायक जी झूठ बोल रहे हैं। विधायक जी तो कल फूट फूट के रो रहे थे कैमरे के सामने, कह रहे थे कि साथ मेरे साथ बड़ी अभद्रता हुई, बड़ी लाइंसाफी, मंत्री जी ने मुझे जो है जाति सूचक शब्दों से जो है प्रताड़ित करने का काम किया, और ये इनके सारे मंत्री कर रहे हैं, मुख्यमंत्री इन पे लगाम नहीं लगा पा रहे, न ब्यूरोक्रेसी पे न अपने बेलगाम कैबिनेट मंत्रियों पे। आपने देखा प्रेमचंद अग्रवाल जी ऋषिकेश में जो है एक आम उत्तराखंड उठते हुए नजर आए और वहीं पे नहीं रुके, उसके बाद राज्य आंदोलनकारियों के साथ वार्ता के द्वारा उन्होंने अभद्रता की। तो भाई आप अपने अभद्र मंत्रियों पर अगर नहीं नियंत्रण लगा पा रहे हैं, अगर लाल फीता साई पर आप नियंत्रण नहीं लगा पा रहे, और ये बात आपके विधायक बोल रहे हैं भाई, ये लूट लो, ये कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता नहीं बोल रहे, आपके विधायक आप ही के मंत्री के आवास के बाहर धरना देने के लिए क्यों मजबूर है, कैमरे के सामने फूट फूट के रोने के लिए क्यों मजबूर है, ऐसी क्या परिस्थिति है इस प्रदेश के अंदर, कैसा आपका जो है प्रशासन चल रहा है? अरे भाई आपकी कलाई जो है सड़क पे आ चुकी है, आप भले ही कितना ढोंग कर ले अनुशासन का, कितना ही ढोंग कर ले सुशासन का, लेकिन आपका सुशासन तो जो है कैमरे के सामने दिखाई दे रहा है, आपके ही विधायक जो है फूट फूट के सवाल लगा रहे हैं। विनोद जी, अगर बात इतनी बड़ी नहीं थी कि तो फिर वहां संगठन तक पहुंच गई, मुख्यमंत्री तक को इन्वॉल्व करना पड़ा, सबको सेट कर लेते ना मंत्री साहब, अगर सबको सही था तो दिक्कत ही कहां होती फिर, इतना डैमेज कंट्रोल करना पड़ गया आप लोगों को, बोलना पड़ा कि परिवार का मामला है। मुझे लगता है कि परिस्थिति जन्य कैसी परिस्थितियां कहीं पर रहती है और व्यक्ति का स्वभाव होता है, मेरा स्वभाव अलग टाइप का है, मंजी आपका स्वभाव, आशीष पाल जी का स्वभाव अलग टाइप का है, कहीं पर हल्की सी हॉट टॉक हो गई, मुझे लगता है इससे ज्यादा विषय था नहीं, बीजेपी के आलाकमान की ओर से तो यही जिक्र किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को लेकर चुटकी ले रही है कि फिर ये बेवजह तूल क्यों दिया गया इस मुद्दे को लेकर, और सब कुछ ठीक है तो फिर विधायक मंत्रियों की नहीं सुनते और मंत्री विधायकों की नहीं सुनते, अधिकारी नहीं सुनते, ये स्थितियां उत्तराखंड के अंदर बनी हुई है। इसके साथ खास विशेष बताएं आप देखते रहेंगे, नमस्कार।